माही को इस कहानी से जाना होगा ताकि मैं अपने जोगी से कह सकूं कि तेरी मेरी एक चिंदड़ी। मैं अपने जोगी को कामयाबी कैसे रंगों में रंगूंगी कि उसे मेरे प्यार के अलावा ना कुछ नजर रहेगा ना किसी और की जरूरत पड़ेगी, माही की भी नहीं। और आइंदा फिर कभी मुझे खुद से कंपेयर मत करना। तुमने जो किया वो उन्हें परेशान करने के लिए किया, लेकिन मैं जो कर रही हूँ सच्चे प्यार के लिए कर रही हूँ। और सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। तुम जो मर्जी कर लो अवनीत, एंड में फायदा तो मेरा ही होना है। जोगी, ओए कुरमुरी, मैं कुछ हेल्प करूं? हाँ यार, एक मदद कर दे। तू ना जाए यहां से। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं लिखना क्या चाहता हूं, क्या सोचूं, क्या करूं, तो इसलिए ना तू मेरी हेल्प करने से ज्यादा मुझे डिस्टर्ब ही करेगी। तो जाए यहां से यार। ओके ओके जोगी, रिलैक्स। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ तुम किस तरह का गाना लिखना चाहते हो? मैं लिरिक्स लिखने में तुम्हारी मदद करूंगी। गुड क्वेश्चन। मैं सोच के बताता हूं मैं क्या लिखना चाहता हूं, है ना? अभी तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा, तो तू ना एक काम कर, तू ना चल यहां से। लेकिन जो और जब मुझे समझ में आ जाएगा ना मैं तुझे बताऊंगा, सबसे पहले तुझे बताऊंगा, है? तब तक के लिए ना ओके, टाटा बाय बाय। और थैंक यू यार, थैंक यू मेंशन नॉट। मेरे रहते हुए जोगी को किसी की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। But you know what? अभी देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम उसके पास जाने के लिए बेताब हो, पर वो तुम्हें घास तक नहीं डाल रहा। भानु दुआ का गाना जोगी के साथ मार्केट में आ जाए, फिर देखना कैसे भाव बढ़ते तुम्हारे जोगी के। हाँ पर अभी तो ना सिर्फ उसकी परेशानी बढ़ रही है दीदी, बेचारा सोने जा रहा था, पर ये गाना लिखने की टेंशन में ना वो सो ही नहीं पा रहा, तो सोचा दूध लेके जाती हूँ, शायद जल्दी नींद आ जाए। ठीक है, आप इतना खुश क्यों रहे? मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने देख लिया इतने दिनों से जो मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी ना कि जोगी तेरे हाथ से निकल जाएगा, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। माही, जोगी तुझसे बहुत प्यार करता है, तुझ पे बहुत भरोसा करता है, और उस अवनीत का कोई चांस नहीं है। हाँ थी, पर मुझे ना जोगी के लिए बुरा लगता है। एक दोस्ती और एक प्यार की लड़ाई में ना बेचारा जोगी फंस रहा है और उसे उस बात की खबर तक नहीं है। ये ठीक ही कहती थी, मेरी और अवनीत की लड़ाई में ना नुकसान तो जोगी का ही हो रहा है। ओहो, तू इन सब बातों की फिक्र मत कर, अवनीत की हाथ पक्की और तेरा प्यार सच्चा। तूने उसका मुंह देखा था? एकदम इतना सा हो गया था, माय गॉड, माही मेरा तो दिन बन गया, मुझे ना उसकी फोटो ले लेनी चाहिए थी। आप भी ना, चलो मैं फटाफट दूध दे के आती हूँ।
क्या लगता है अवनीत, तुम ये सब करोगी और मैं डर जाऊंगी? तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को ठीक किया है मैंने। मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। क्या किया है तुमने? क्या किया है मैंने? अगर तुम्हें पता चल गया ना कि मैंने क्या किया है, तो तुम मेरे सामने कभी सर उठा के चलने की हिम्मत नहीं करोगे। वैसे मैंने जो भी किया, मेरी बहन ने मुझे उसके लिए माफ कर दिया है और मैं जिंदगी भर उसकी कर्जदार हूँ। और अब जोगी और माही के रिश्ते को बनाए रखने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। और अगर किसी ने उनके बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की ना, तो उनकी जान ले भी सकती हूँ। करना पड़ेगा रेनू, आखिर तुमने ऐसा किया क्या है? चल जोगी, आज के लिए बहुत मेहनत होगी, अब दूध पी, नींद अच्छी आएगी। यार आगे दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तू दूध को रख दे, मैं पी लूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ रखा, पी लियो।
ओए अवनीत, ओए अर्जुन को कह दे कि अपने ना उस वो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भालू दुआ को बुला ले। अब ना मेरा गाना बिल्कुल तैयार है। तुमने तो कमाल ही कर दिया शोकी। ओ नाना, कमाल मेरा नहीं है, कमाल तो मेरी माही का है। ना ये कमरे में आती और ना इसे देखकर मेरे दिलो दिमाग पर इश्क सवार हो जाता। और ना ही मैं अपने आप गाना गाने लगता। अर्जुन को कॉल करके आती हूँ। भाई साहब, गाना पसंद आया ना थानू? क्या मजाक चल रहा है यहां पर? अर्जुन जी, आपने इसके लिए बुलाया मुझे यहां पर? ऐसे रोमांटिक गाने कोई नहीं सुनता आजकल। नए टैलेंट को लॉन्च करना तो ठीक था, लेकिन ऐसे गाने तो हमारी कंपनी डुबा देंगे। सर, आप खुद एक कलाकार होकर दूसरे कलाकार की बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी कला की बेइज्जती कर रहे हैं। ट्रेंड कुछ भी हो, लेकिन ऐसे प्यार भरे गाने तो हर कोई सुनता है ना। ओ बहन जी, ऐसे गाने सिर्फ सोनू निगम और अरिजीत सिंह की आवाज में बिकते हैं। बाकी अगर आपको इनके गाने इतने ही पसंद हैं, तो भाई साहब आप इन्हीं के लिए गाते रहिए। एक मिनट, जोगी का सारा काम मैं मैनेज करती हूँ, आप मुझसे बात करें। आपके हिसाब से गाना कैसा होना चाहिए? अगर गाना सुपर हिट करना चाहते हो तो कुछ गर्मा गर्म आइटम नंबर होना चाहिए। आज तक लड़कों की आवाज में कोई आइटम नंबर नहीं बना है, ये कुछ अलग होगा और नया। आइटम नंबर हो जाएगा। अवनीत, पक्का हो जाएगा राइट? क्योंकि अगर पहले गाने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम बाकी गानों का बैंक कैसे बना पाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी गाने बनेंगे वो तुम्हारे होंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिस्टर दुआ, जोगी एक ऐसा गाना बनाएगा, एक ऐसा आइटम नंबर तैयार करेगा कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। ठीक है, देख लेंगे। थैंक यू। ठीक है जी, हम निकलते हैं। थैंक यू, कम ऑन चंदा। जोगी,
तुझे ना अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, तूने ना कमाल का लिखा था। I'm sorry, जोगी। मैं जानती हूँ तुम्हारी रजामंदी जाने बिना मैंने उन्हें हाँ कर दी, लेकिन जोगी उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, हमें ये करना ही होगा। नहीं करना होगा। वो अर्जुन से जो 25 लाख रुपए लिया है वो वापस दे देंगे। नहीं करना होगा। बेबे, आपने उन 25 लाख में से कोई खर्चा तो नहीं किया? ना पुत्र, पर तू ना ठंडे दिमाग से सोच ले सब। सोच लिया मैंने बेबे। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हम जो पैसे हैं ना वो अर्जुन को वापस दे देंगे बस। ठीक है जोगी, तू जैसा चाहता है ना वैसा ही होगा, बस तू परेशान मत हो। माही, तुम जोगी को किस बात के लिए सपोर्ट कर रही हो? और जोगी तुम, जोगी हमें जो करना है उसमें तुम्हें आगे जाके बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे रिजेक्शंस होंगे, लेकिन तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। आज पहले रिजेक्शन की वजह से तुम पीछे हटने की बात कर रहे हो। जोगी, इतनी आसानी से तुम कैसे हार मान सकते हो? यार कुरमुरी, तू समझ ही नहीं रही, और मैं ऐसा नहीं बनाऊ। मैं गाना ऐसे गा ही नहीं सकता, लिख ही नहीं सकता जब तक गाना मेरे अंदर से, मेरी रूह में से नहीं निकलता है। मुझसे ये नहीं होगा, बस बात खत्म। आप लोगों ने जो करना कर लो। जोगी, एक बार मेरी बात। जोगी ने चुका वो तुमने सुना ना, उस पे किसी भी तरह का दबाव मत डालो। अगर जोगी चाहता है कि हम अर्जुन के 25 लाख वापस कर दे तो हम कर देंगे, जैसा चाहते जोगी हम वैसा करेंगे। सही कह रही है माही। आज मेरे घर में, मेरे सामने वो बंदा मेरे पुत्र की बेइज्जती कर गया। वो देखा था जोगी का कैसे उतर गया था, इसीलिए मैं मना कर रही थी इस काम को। और सबसे ज्यादा तो मैं तुझसे नाराज हूं अमित। कहा था ना मैंने कि मेरे पुत्र का ना दिल नहीं दुखना चाहिए, और तूने वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और आज फिर एक बार तुम दोनों की वजह से मेरे पुत्र का दिल दुखा है।